बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हॉल गुणांक का प्रायोगिक विधि के द्वारा मापन। हॉल गुणांक का प्रायोगिक विधि के द्वारा मापन, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, एक डायग्राम है इस तरह से, दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच में जो है, तो इन दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक प्रतिदर्श इस प्रकार से रखा हुआ होता है। इसकी मोटाई टी होती है और बी चौड़ाई और एल लंबाई का लगा हुआ होता है। यहाँ विभव मापी लगा रहता है इस, और यहाँ जेड डायरेक्शन में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो ये इसका प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस तरह से निर्मित रहती है। अब प्रायोगिक व्यवस्था के बाद हम इसके प्रायोगिक व्यवस्था का थ्योरेटिकल मैपिंग देखते हैं। तो हॉल गुणांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि को चित्रानुसार दर्शाया गया है। चित्र आपने देखा है, जिस पदार्थ का हॉल गुणांक ज्ञात करना होता है उसका L लंबाई, B चौड़ाई तथा T मोटाई का एक प्रतिदर्श लिया जाता है। इसे शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस प्रकार से रखते हैं कि L इंटू बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल वाला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला जो क्षेत्रफल है ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहे, लंबवत रहे। इस चुंबकीय क्षेत्र बी जेड का मान गॉस मीटर के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। अब बी टी क्षेत्रफल यानी कि जो मोटाई है और जो उसकी चौड़ाई है दोनों से बनकर के बनने वाला जो क्षेत्रफल है वाला जो पृष्ठ है वाले पृष्ठों के मध्य आई एक्स धारा प्रवाहित की जाती है यानी कि एक्स डायरेक्शन में धारा प्रवाहित की जाती है जिसका मान प्रतिदर्श की श्रेणी क्रम में लगे अमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। यानी कि जो हमने एक्स डायरेक्शन में धारा प्रवाहित की इस धारा का मान किसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, अमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रतिदर्श में आई एक्स धारा के प्रवाह के कारण L इंटू टी यानी कि लंबाई और उसकी मोटाई से बनने वाला जो क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है उस पृष्ठ के मध्य होल वोल्टता VH प्रेरित होती है जिसका मान सुग्राही विभव मापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें सुग्राही का विभव मापी लगाया रहता है, उस विभव मापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि जो L इंटू B क्षेत्रफल है इसके मध्य तो जो है हम धारा को प्रवाहित करते हैं इस क्षेत्रफल में, और जो विभव है वो B और T जो BT क्षेत्रफल है इसमें BT क्षेत्रफल में जो है यहाँ विभव का विभव उत्पन्न होता है और विभव उत्पन्न हो और ये जो हमने लंबाई इंटू चौड़ाई का जो क्षेत्रफल देख रहे थे इस क्षेत्रफल के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र बी जेड लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से इसकी प्रायोगिक व्यवस्था तो यहाँ जो विभव मापी जो हम वी एच की बात करें थे तो वी एच प्रेरित होता है जिसका मान सुग्राही विभव मापी के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ जो आर एच है आर एच है इसे हम होल गुणांक कहते हैं। होल गुणांक ई एच अपॉन जे एक्स इंटू बी जेड के बराबर होता है। यानी कि ये तो यहाँ ई एच तो की बात करें तो ये तो हो गया आपके विद्युत क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया आपके धारा घनत्व। तो ई एच बराबर वी एच अपॉन बी के बराबर होता है। तो धारा और तथा धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व जे एक्स बराबर आई एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में प्रवाहित धारा आई एक्स
अपॉन बीटी, जो बीटी यानी कि जो चौड़ाई है और जो टी मोटाई है, इससे बने क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आर एच, यहाँ इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो आर एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन बी इंटू टी अपॉन आई एक्स इंटू बी जेड। तो यहाँ बी से भी कैंसिल हो जाएगा और आपके जो होल गुणांक का मान है वो ये फाइंड आउट होता है, ये आपको मिलेगा होल गुणांक। तो इन सब वी एच को वहाँ वोल्ट मीटर से फाइंड आउट कर लेते हैं, आई एच को अमीटर से, और चुंबकीय क्षेत्र को हम फाइंड आउट देख लेते हैं। तो इन सब की वैल्यू यहाँ रखने पर आपको जो है उस प्रतिदर्श का जो होल गुणांक है वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की, जो है अति चालकता। देखिए, जो इसी यूनिट का अगला पार्ट है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, आप लोग जानते हैं चालक पदार्थ किसे कहते हैं, जो सामान्य ताप पर जो है जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम सामान्य चालक की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, उन्हें हम अति चालक कहते हैं। अति चालक के बारे में सर्वप्रथम केमरलिंग ओनेस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि एक निश्चित अत्यल्प ताप पर धातु की प्रतिरोधकता असामान्य रूप से अत्यल्प लगभग शून्य हो जाने या चालकता अत्यधिक हो जाने वाले पदार्थ के गुण को अति चालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थ इस अवस्था में अति चालक पदार्थ या अति चालक कहलाते हैं, यानी कि इनकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है ताप, एक अत्यल्प ताप की कंडीशन में। तो न्यून ताप पर पारे के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन यहाँ दिखाया गया है, प्रतिरोधकता ये है और ये ताप के साथ। तो यहाँ हम देखें तो HG पारे के लिए तो ये घटता जाएगा और एकदम से जो है यहाँ 4.02 पर एकदम से इसकी जो प्रतिरोधकता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब जो अतिचालकता है, अतिचालकता के जो प्रायोगिक लक्षण हैं उनको हम बात करते हैं। तो पदार्थ के अतिचालकता अवस्था में विद्युत प्रतिरोध के अत्यल्प होने के अतिरिक्त इस अवस्था से संबंधित अनेक असामान्य गुणधर्म प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किए जाते हैं। तो प्रयोगों द्वारा अनेक इनके गुणधर्म प्रेक्षित किए गए हैं, तो इन गुणों की हम बात करेंगे, जिनमें जैसे क्रांतिक ताप है, दीर्घ स्थायी धारा है, ऊष्मा चालकता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम दो गुणों एक गुण को डिस्कस करते हैं, क्रांतिक ताप को। तो क्रांतिक ताप की बात करें यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, एक निश्चित ताप जिससे कम ताप पदार्थ को ठंडा करने पर पदार्थ का प्रतिरोध एकाएक शीघ्रता से कम होता है और शून्य की ओर अग्रसर करता है, इस ताप को क्रांतिक ताप, इस ताप को ही हम क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर पदार्थ सामान्य अवस्था में तथा कम ताप पर अतिचालक अवस्था में होता है। तो ये क्रांतिक ताप की कंडीशन होती है, क्रांतिक ताप के लिए जो अतिचालक हैं क्रांतिक ताप पर किस प्रकार से जो है ये अपनी स्थिति प्रदर्शित करते हैं ये बताया गया है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के गुणधर्म हम पढ़ने जा रहे हैं अतिचालक के। थैंक यू।